ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى إن هو ن... عن نفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. याउदबिल्हिन रबी शुरु सदरी वसली अमरी आमीन याबुल बुजुर्गो दो अजीज साथी और पैदा नशीन माओ बहनों आज के इस खुतब जुमे का आगाज मैं अल्लाह तबारा का वात की तारीफ से करता हूँ कि हर तरह की तारीफ बड़ाई और किबरियाई खालसतन अल्लाह वाशरी के लड़ाको जेबा है

वान आप तक पहुंचाया गया कि आज खौफ इलाही से बहने वाले आंसू इस उनवान पर खिताब करने की कोशिश की जाएगी दरअीक़त येवान चुनने की वजह यह कि रोना और हंसना इंसान की जिंदगी का हिस्सा है कई मौके ऐसे आ जाते हैं कि इंसान खुशी में मसर्रत में मुस्कुराता और हंसता है और इंसान की जिंदगी में बाज ऐसे मौके आ जाते हैं कि इंसान तकलीफ गम अलम में रोता है आए इंशाअल्लाह आज के ये खुदबे में हम मैं और आप भाई और बहने बच्चे और बुजुर्ग ये सीखने और समझने की कोशिश करें कि अगर इंसान को रोना आए तो किस बात पर रोना आना चाहिए ये इसका रोना भी इसके लिए फायदेमंद हो जाए इसका रोना इसको फायदा पहुंचा दे कि फिर ये अल्लाह के खौफ से रोने का आदि हो जाए अपनी जिंदगी के अंदर आपने हमने देखा कि इंसान रोता है कब जब इंसान को कोई नुकसान हो जाता है इंसान रोता है अपने चहितों की जुदाई पर इंसान रोता है उसका पैसा खत्म हो जाने पर इंसान रोता है कि उसकी अपनी जाति मिल्कियत में कोई कमी हो जाने पर आए इन आज ये जो अल्लाह की खशियत और अल्लाह के खौफ से रोने के मामले में हम सीखने की कोशिश करेंगे इस बात को समझ जाएं खौफ डर खशियत ये हम माना है किसी के डर से किसी के खौफ से किसी की खशियत से अपने आप को इस हालत में ढाल लेना इंसान कप कपाती आंखों से टिमटिमाटे आंसुओं की बरसात कर देना अपने आंखों से वो कीमती पानी को निकालना कि या तो उसकी मोहब्बत में या तो उसकी ताजीम में या तो उसके डर से ये अल्लाह का ताल्लुक बंदे का अजब ताल्लुक है देखो आप इंसान का दुनिया में ताल्लुक होता है या तो मोहब्बत का होता है या तो ताजीम का होता है या तो डर का होता है जिसका डर होता है उसकी ताजीम नहीं होती और जिसकी ताजीम हो जाती है उसका डर खत्म हो जाता है लेकिन बंदे का ताल्लुक अल्लाह से क्या अल्लाह का ताल्लुक बंदे से यह होता है कि ये बंदा अल्लाह से मोहब्बत भी करता है अल्लाह से डरता भी है और अल्लाह की बेहद इज्जत और ताजिम भी करता है तीनों चीजें जमा हो जाती है और यह तीनों चीजें जमा होने के बाद जब इंसान अल्लाह की हैबत से अल्लाह के डर से अल्लाह की मोहब्बत से अल्लाह की बारगाह में अपने पेशानी को झुकाकर जब अपनी आंखों से आंसुओं को निकालता है तो इसको खौफे इलाही कहते हैं ख़शियत इलाही और कभी मौका मिला तो यह बात भी जान लेना कि रोना आना चाहिए इंसान को आंखों से आंसू निकलना यह नर्म दिल की आलामत है जिनका दिल नर्म होता है उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं जिनका दिल ईमान से लबरेज होता है उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं अगर किसी को आंसू नहीं निकलते तो फिर उनको वो आमाल की तरफ आना चाहिए जिससे दिल नरम हो जाता है पढ़िए इस सिलसिले में आए जरा खौफ इलाही ये अल्लाह का खौफ ये अल्लाह का डर ये अल्लाह की खशियत के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने

रहमान अबिल गैब और जो गैब से रहमान की खचियत से रो देते हैं अल्लाह को देखा हमने नहीं देखा गैब से अल्लाह की खशियत उन पर तारी होती है जब भी कोई गुनाह का काम करने जाते हैं रहमान का खौफ उन पर तारी हो जाता है जब भी कोई गुनाह का काम करने आते हैं रहमान की खशियत उन पर तारी हो जाती है वह खशियत रखते हैं गैब की हालत में फिर क्या शिरफरती करीम ए नबी सल ऐसा आंसू बहाने वाले ऐसा खौफ करने वाले ऐसा अल्लाह से डरने वाले ऐसा खशियत ही में रोने वालों को आप खुशखबरी सुना दो अल्लाह इनको बेहतरीन अजर देगा और इनकी इंसान दिल में लाएगा तो फिर अल्लाह अल्ला की बारह में इंसान अपनी आंखों से आंसू बहाएगा अल्लाह की मोहब्बत और उसकी है फिर अल्लाह उसको अजर करीम अता करेगा और इसी तरीके से अल्लाह तबारक अंदर क्या कहा

डरता है अपने नफ्स की पैरवी नहीं करता बल्कि अल्लाह की खौफ की वजह से अल्लाह की चाहत के अमल करता है वह अम्मा मन खाफ मकाम और अब भी ही वह हन नफ्स अनिल हवा कौन है यह बंदा जो अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाह नहीं करता अपने नफ्स की पैरवी नहीं करता अपने मन चाही जिंदगी नहीं गुजारता ये अल्लाह के खौफ की वजह से रब चाही जिंदगी गुजारता है तो अल्लाह कहता है फ इनल जन्नतवा यह अल्लाह का खौफ करने वालों के लिए अल्लाह से डरने वालों के लिए ख़शियत इलाही सीनों में रखने वालों के लिए तुम खुशखबरी सुना दो इनका ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जन्नत है जन्नत में जाएंगे ये फ इनल जन्नत फिर यह अल्लाह के खौफ से रोने वाले कभी जहन्नत में नहीं जाएंगे इनशाला आओ इसी तरीके से अल्लाह तबारा के ने दिगर मजीद के मुखात पर क्या सूर रहमान पर थे ना अपन वाली खाफा मकाम रब्बी ही जन्नथान जो बंदा अल्लाह के बारगाह में हिसाब व किताब देने से डरता है उसको इस बात का खौफ है वालिमन खाफा मकाम रबी ही जन्नतान जो बंदा अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर अपने हिसाब के मामले में सोचकर अपनी रूह को कपकबा जाता है हाँ उसके दिल में हैबत तारी हो जाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको खुशखबरी सुना दो उसके लिए रब के यहाँ दो बाग अता किए जाएंगे रबी ही जन्नत दो जन्नतें अता की जाएंगी क्या है दो जन्नतें सही बुखारी की रिवायत है बिन खै रजी अल्लाह रिवायत कहते हैं यह आयत की तफसीर में कहा अल्लाह के नबी नबीम सुल्ण ने दो जन्नतें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ने एक जन्नत को सोने से बनाया है और दूसरी जन्नत को चांदी से बनाया है तुम जन्नतों की बात करते हो ये दो जन्नतें जो रब से डरने वाले हैं उनके लिए एक जन्नत जो सोने की है उसकी दीवारें सोने की है उसका फर्श सोने का है उसके इस्तेमाल की चीजें सोने की है वहां हर शय जो जो इस्तेमाल में आती है वह सब सोने की रखी गई है ये रब से डरने वालों के लिए अल्लाह ने एक जन्नत चांदी की बना दी है जिसकी हर चीज उसके इस्तेमाल की चांदी की होगी वाली ही जन्नत फिर बंदा अल्लाह का खौफ अख्तियार करेगा तो फिर रब ताला उसको जन्नतों में आला अता करेगा अल्लाह की खशियत से आंसू बहाने की आदत डाल लो रोना तो बहुत आता है लोगों को जरा रब के खौफ से भी रोकर बचाओ रोए तो बहुत हो तुम दुनिया के अंदर दुनिया के वास्ते रोए हो दुनिया के मालो मता के वास्ते रोए हो जरा अल्लाह के खौफ से रो फिर देखो तुम्हारी जिंदगी में कैसी आफियत कैसा सुकून तुम्हारे दिल में अल्लाह कैसी ठंडक पैदा करता है अल्लाह का खौफ और जानते हैं, जब बंदा यहां से यहां से हकीकत में दिखावे का नहीं डोगड़ापन नहीं लोगों के सामने तो मैं जुब्बा गुब्बा दाढ़ी अल्लाह अल्लाह करते फिर रहा हूं जब लोगों से आगैब हो जाऊं तन में अल्लाह की हराम चीजों को इस्तेमाल कर रहा हूं ऐसे नहीं खौफ ये कि हकी में बंदा यहां से अपने दिल में अल्लाह का डर रखता है सही बुखारी के अंदर वाकया नकल हुआ है अल्लाह के नबी सलम फरमाते हैं पिछली उम्मतों में एक शख्स ऐसा जो हकीकत में अल्लाह से डरने वाला कैसा अपना मसला ऐसा है कि हम चार लोगों को भूखों को खाना खिला के समझते जिंदगी में सबसे बड़ा काम कर दिए दो नमाजें जमात से पढ़ के समझते मुतमिन हो जाते क्या एक दो दफा कुरान को पढ़ लिया मुतमइन हो जाते पूरी जिंदगी में कितने गुना कितने अल्लाह की नाफरमानिया अंदाजा नहीं इंसान को सही बुखारी में वाकई पिछली उम्मतों तो में एक शख्स में अल्लाह से डरने वाला कैसा नेक तो था लेकिन अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह से डरता था क्या डर उसके सीने में डर उसके सीने में यह गुनाहों के बारे में रब सवाल करेगा तो क्या जवाब दूंगा अल्लाह की नाफरमानियों के बारे में रब्बे ताला पूछेगा क्या जवाब दूंगा रब्बे कहा बेटो इधर आओ जब मैं मर जाऊं जब मैं मर जाऊं मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देना अल्लाह अकबर क्या खौफ देखो अल्लाह का कहा बैठे जब मैं मर जाऊं मेरी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करना और बड़े समंदर में ले जाकर मेरी लाश को फेंक देना अल्लाह के नबी कहते हैं उसी औलाद ने वैसे ही किया टुकड़े टुकड़े किया समंदर में फेंक दिया अल्लाह ने एक जगह उसके जिसम को जमा किया फिर अल्लाह ने सवाल किया नबी की हदीस है कहा बंदे आखिर ऐसा क्या हुआ कि तूने अपनी औलाद को ऐसा करने का हुक्म दिया वो शख्स कहता है या अल्लाह या अल्लाह मैं तेरा खौफ अपने सीने में रखता था अल्लाह तेरा डर था अल्लाह तेरी खचीयत थी, अल्लाह तेरी खौफ की वजह से तेरे सामने हाजिरी की वजह से मैंने ऐसा किया है अल्लाह कहता है बंदे अगर तूने हमारे खौफ से यह अमल किया तो सुन जा तेरे सारे गुनाह को हमने माफ कर दिया खौफ अल्लाह का यह आना अंदर किसका किसका डर है भाई जरा यहां देखो मोहल्ले के लीडरों का डर सियासतदानों का डर वो पार्टी का डर ये पार्टी का डर मुसलमानों के खिलाफ एक ऑर्गेनाइजेशन उसका डर ये यहूदियों का डर इनो प्लानिंग करते, इनो मकर करते इनका डर नहीं मुसलमानों अल्लाह का डर अख्तियार करो अल्लाह बड़ी से बड़ी से वापस निकाल के लाएगा इंशाल्लाह Allah का खौफ खशियत इलाही मेरे भाई ये आना हमारे अंदर बहुत कमी है हमारे पास खशियत इलाही कब रोए थे आखिरी वक्त अल्लाह के खौफ से कब रोए थे आखिरी वक्त जिंदगी में अल्लाह के डर की वजह से आंसू निकले जरा देखो अपनी जिंदगी टटोलो जरा मालूम करने की कोशिश करो कि कैसा मसला है हमारा अल्लाह के नबी ने कहा हजरत अनस कहते हैं सही बुखारी की रिवायत अल्लाह के नबी ने खुतबा देते देते फरमाया तुम्हें क्या हो गया है कि तुम इतना हंसते हो कब चौदह सौ साल पहले आज तो इंसान हंसने का आदि हो गया इसको सिर्फ हंसना आता उठे बैठे चलते फिरते वो वीडियो देख लिया हंस लिया हंसने के लिए वीडियो बनाए जाते हैं ना खास तौर पे। हंसने के लिए और हंसना तो हंसना ऐसा कि ठीक है दुनिया के नाम पे हंसने वाले बहुत ऐसे मुखरन और ऐसे खतीब भी आ गए जो जुब्बा पहन के मेंबरों से लोगों को हंसाते हैं अल्लाह अकबर इस्लामी बयानों में लोगों को चिचोरे बने के बयान अवज बिल्ला हंसाने के वास्ते हंसना पब्लिक इनको वाह ही मिलना हंसने से अल्लाह अकबर सही बुखारी की रिवाज है हजरत रिवायत करते हैं अल्लाह के नबी ने देते हुए बिर फरमाया लोगो तुम हंसो कम रो जो यकीन जानो वो बातें जो मैं जानता हूं अगर तुम जान लोगे तो तुम अच्छा खाना पसंद नहीं करोगे तुम अपने बीवियों के पास जाना पसंद नहीं करोगे तुम्हारे जिंदगी से दुनिया की ख्वाहिश मिट जाएगी तुम रोगे ज्यादा हंसोगे कम अगर वो बातें तुम जान लो जो मैं जानता हूँ क़राम पर साहबाक गया, रोने लग गए साहबा बैठकर खुतबे में रोने लग गए आज मामला बड़ा जब है हमारा कहा रोने आता उम्मत की माओ को हमारी माओ बहनों को उन्हों सीरियल देखते रहते तो सीरियल में कौन तभी तो मर जाता तो इनको रोना आ जाता वहां पर इन रो लेते कहां रोने आ जाता इनको वहां पर जहां पर इनका शोहर इनको अच्छी कमाई लाकर नहीं देता इनको सोना चांदी नहीं पहनाता इनको अच्छे कपड़े लाकर नहीं देता इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक इनका शोहर मुकम्मल नहीं उतरता फिर इनको रोना आ जाता उम्मत का यही वतीरा है ना आज रोने वाले बहुत है दुनिया के अंदर क्या कभी खौफे खुदा से रोए रोने वाले बहुत है अम्मे से क्या खचियत इलाही से अल्लाह के खौफ से रोए कभी रोए हैं तो तुम्हारा रोना मुबारक है रोए हो तो मुबारक है तुम्हारा रोना अल्लाह खौफ इलाही में रोने वालों में हमारा शुमार कर ले आमीन अच्छी आदत है अच्छी आदत आओ जरा थोड़ा सा हम दो तीन अहम बातें खौफ के ताल्लुक से सीखेंगे हदीस में खौफ के मुतालिक क्या हदीसें हैं क्या अल्लाह के नबी ने अल्लाह के खौफ से रोने वालों की फजीलत बयान की है हजरत अबू हुरैरा रिवायत कहते हैं तिर्मिजी की रिवायत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आंखें अल्लाह के डर की वजह से रोती हैं जो आंखें अल्लाह के खौफ की वजह से रोती हैं ये आंखें कभी जहन्नम में नहीं जाएंगी ना वो आंखें जाएंगी ना वो आंख वाला जाएगा जहन्नम में वो आंखें नहीं जाएंगी वो आंख वाला नहीं जाएगा जिसकी आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू निकल जाए यहां तक के जानवर में से निकलने वाला दूध वापस थनों में चला जाए मिसाल देकर अल्लाह के नबी ने, ने कहा बहुत सारी मिसालें आई हैं इस्लाम में कहा ऐसे लोग बदबक थोड़े ऐसे हैं जो इस वक्त जन्नत में जाएंगे जब सुई के नाके में से ऊंट गुजर जाएगा पूछा गया क्या सुई के नाके में से ऊंट गुजर सकता हरगिस नहीं माना हरगिस जन्नत में नहीं जा सकते ऐसी मिसालें दी गई हैं यहां पर अल्लाह के नबी ने कहा एक जानवर का दूध जब निकाला जाता है थनों में से गाय का बकरी का ऊंट का फिर वापस उसको आप थनों में डाल नहीं सकते मुमकिन ही नहीं आपके वास्ते फिर अल्लाह के नबी ने कहा जिस तरीके से वो थनों में दूध वापस जाना नामुमकिन है वैसे ही ये रोने वाली आंखों का जहन्नम में जाना नामुमकिन है रोने वाली आंखें फिर अल्लाह के नबी साहब ने एक और हदीस में कहा अबू हैं तिरमिजी की रिवायत है अल्लाह के नबी साहब ने कहा मुझे दो कतरे बड़े पसंद है और दो नशान बड़े पसंद है अल्लाह अकबर ये नबी की पसंद की बात हो रही है हर एक की अपनी अपनी पसंद है दुनिया के अंदर हर एक का अपना अपना स्टाइल है हर एक के अपने अपने कपड़े अपने तरीके के स्टाइल की कटिंग अपने तरीके का जो है ना कपड़े पहनने का तरीका अपने रहने सहने का ढंग इंसान इसको पसंद करता है आओ नबी की पसंद की बात करने लगा हो तिरमिजी की रिवाज है बाहली रजी अल्लाह तुमने रिवायत करते हैं कहा अल्लाह के नबी ने कहा मुझे दो निशान बड़े पसंद है और दो कतरे बड़े पसंद है पूछा गया या रसूल अल्लाह वो कौन से कहा दो कतरे वो पहला कतरा रब के खौफ से निकलने वाले आंसू का कतरा मुझे बड़ा पसंद है और दूसरा वो जो अल्लाह की राह में बहाया गया खून है वो खून का खतरा मुझे बड़ा पसंद है फिर पूछा गया नशान कहा अल्लाह के नबी ने पहला नशान वो जो अल्लाह के रास्ते में लड़ते लड़ते इंसान के जिसम पर जख्म की शक्ल में लगता है मुझे बड़ा पसंद है क्या भाई इस्लाम खाए इस्लाम के वास्ते मार आज तो मामला पूरा उलट हो गया अपने को क्या करे डराते गए डराते गए डराते गए जिहाद बोले तो टेररिज्म भाई कोई तुम्हें पकड़ लेते कि क्या है ये अपन क्या करे बुज दिल बुज दिल बुज दिल डरपुक 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 अपने को पूरा डरपुक बना दिए अब मामला ये है कि उधर से उछाल पड़ा हुआ है आओ लड़ने आते तो आ जाओ अउज बिल्ला कहा अल्लाह के नबी ने दो निशान एक निशान जो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए जिस्म पर लगता है मुझे पसंद है और दूसरा निशान वो जो अल्लाह के फर्ज अदा करते हुए आता है वो निशान मुझे बड़ा पसंद है ये आंसू का कतरा अल्लाह के नबी को पसंद है जो खौफे इलाही से इंसान की आंखों से निकलता है इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत की रिवायत सही बुखारी की कहा कयामत का एक दिन ऐसा भी आने वाला है कि जिस दिन अल्लाह तबारक तआला सब कुछ मलिया मेट करके रख देगा कुल्लू मन फान का जलाली वल इकराम। कुछ का नहीं होगा सिवाय अल्लाह तबारक के ना कोई झाड़ ना कोई पहाड़ ना कोई साया ना कोई कोई चीज मैदान फिर क्या सवा नेजे पे होगा अभी तो समर शुरू है नहीं इंसान गाड़ी पे जाते जाते धूप से बचने के वास्ते जरी देर के वास्ते एक सेकंड भी नहीं रुकता लेकिन झाड़ के नीचे से जाने की कोशिश करता छोटा साया नजर आता इंसान अपनी गाड़ी को मोड़ के वह साये में से ले जाता ताकि थोड़ी देर की राहत साये की अहमियत है ये इंसान साया ढूंढता है जब सूरज तपिश में आ जाता है अल्लाह के नबी कहते हैं अमरोड़ा रिवायत कहते हैं सहबुखारी की रिवायत कयामत का दिन चटियल मैदान कोई होगा लेकिन अल्लाह के अर्ज का साया होगा अल्लाह के नबी कहते हैं सात तरह के लोगों को अल्लाह अपने अर्ज के साए में जगा देगा कौन है सातों सातों में से एक वो होगा कि जब वो तन्हाई में अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह के खौफ की वजह से उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं तन्हाई में अल्लाह के खौफ की वजह से रोने वालों को अल्लाह कयामत में साया नसीब करेगा रो रोना ना चाहिए जब नमाज के लिए खड़े हों, जब दुआ के लिए हाथ उठे जब कोई खुशी नसीब हो अल्लाह की तरफ से कोई जब गम में रोना चाहिए लेकिन अल्लाह के खौफ की वजह से यह रोना अच्छा रोना है यह रोना फायदेमंद है हमारे लिए रोना आओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के अंदर उम्मत को क्या दर्ज दे गए कब रोना सिखाए अल्लाह के नबी कब रोना सिखाए उम्मत को आज मसला यह मीठी मीठी सुन्नतें इंसान को बड़ी पसंद आती है जो इसको पसंद सुन्नत वो अच्छी दिखती है जो इस पे गिरा गुजरती सुन्नत करे तो भी चलता नहीं करे तो भी चलता फर्ज करना जरूरी ये दिमाग में बैठे हुआ अपने सुन्नत क्या सिखा गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आओ सुनो ये हदीस अल्लाह के नबी वसल्लम फरमाते हैं अबू दाऊद की रिवायत है रावी कौन है हजरत अब्दुल्लाजरत अब्दुल्ला, अब है। है अब्दुल्ला मैं नबी से मुलाकात के लिए नबी की खिदमत में गया क्या देखता हूं नबी ये मोहतरम नमाज की हालत में है नमाज अदा कर रहे हैं मैं बैठा रहा इंतजार में फिर मेरे कानों ने आवाज सुनी आवाज थी ऐसी आवाज जैसे हंडिया में सालन खोलता है जैसे हंडिया में सालन पकता है आपके सीने से ऐसी आहों की आवाज आ रही थी ऐसे रोने की आवाज के नमाज की हालत में अल्लाह के नबी अल्लाह की बारगाह में अपने सीने के अंदर वो उस वो जो है ना वो रोने की आहों के साथ ऐसी आवाजें जैसे हंडिया में पकने की आवाजें आती हैं कौन है भैया ये, ये नबी मुकर्रम है ये नबी मोहतरम है ना जो नमाज की हालत में अल्लाह की बारगाह में आते हैं तो अपनी आंखों से रब की खौफ की वजह से आंसू बहाते हैं जरा नमाजों का जायजा लो क्या नबी ने सिखाया अब तो मसला ये एक तो नमाज तो बेनमाजी तो बेनमाजी फिर नमाजियों के मसले भी अपने अलग नमाज को आया बंदा अल्लाह की बारगाह में खड़ा है ये वो जात है बंदे जो सारे कायनात को पैदा करने वाली जात है ये रब्बुल आलमीन के, के सामने खड़ा है ये हकमुल हाकिमीन के सामने खड़ा है ये मलिक ये जो है ना कयामत के दिन के मालिक के सामने खड़ा है ये मालिक योम द्दीन के सामने खड़ा है कैसा खड़ा है बंदा बड़े अजीब और गरीब हालत में उम्मत का मसाला हो गया एक तरफ नबी ने रोना सिखाया नमाज की हालत में अल्लाह की खशियत से तुम रो लेकिन उम्मत का एक तबका ऐसा आता तो नमाज

टोपी सीधी करने की गुस्ताखी करे कैसा तुम बार बार कपड़ों को सीधा कैसा करे तुम दिमाग में अल्लाह के सामने होते हुए किसी और का तस्वर लाए कैसा इंसान की समझ खत्म हो गई खत्म क्या नमाजे क्या अंदर उसकी ताकत रूहानी ताकत नमाज की बेचैनी में नमाज पढ़ता बंदा बेचैनी में नमाज क्या पढ़ रहा क्या सुन रहा क्या सुना रहा क्या रब की हमद है समझ ही नहीं इसको कोई चीज की और अब बात नमाज की आई है तो यह भी सुन लो शबे मेराज नमाज का तोहफा मिला शबे मेराज में तफसीली वाकया है पूरा वो शख्स मोमिन ही नहीं जो रब के नबी की मेराज का इनकार करे ईमान वाला ही नहीं है वो रब की रब ने जो नबी को मेराज करवाई है नबी की मेराज पे ईमान रखना है और ईमान क्या है जानते हैं आप एक ईमान तो ये कि रब्बे ताला ने नबी करीम को अपनी जिसम अपने रूह के साथ आसमानों पे बुलाया एक मेराज पर ईमान रखना ये दूसरा मेराज पर ईमान रखना ये कि रब्बे ताला ने नबी मुकर्रम को नमाज का तोहफा दिया दिन में पांच नमाज फर्ज हैं पांच नमाजों की पाबंदी करना ये मेराज पे ईमान लाना है असल में उम्मत को समझिए ना इस बात की पूरा साल नमाज नहीं पढ़ता फिर शबे मेराज में जागता सत्तावीस तारीख को आके समझता मैं हक हाँ अदा कर ही बंदे हक हाँ अदा नहीं है शबे मेराज का शबे मेराज का हक हाँ ये तू रात में दो बजे सो तीन बजे सो पांच बजे फजर में आंख खुल जाए यह शबे मेराज का असल हक हाँ है बंदे तू बहुत थका हारा है तेरे बदन में बहुत दर्द है सुबह से शाम तक मेहनत करके आया है ईशा की नमाज हो गया वक्त हो गया सब छोड़ के नमाज ईशा के लिए खड़े हो जाना यह है असल में और शबे मेराज की बात आई तो यह भी समझ लो जाओ किसी आलिम से पूछो, किसी मसल के आलिम से पूछ लो क्या शबे मेराज में जागना नबी से साबित है क्या शबे मेराज में जागना अबू बकर सिद्दीक से साबित है पूछो जाकर क्या शबे मेराज में जागना

अब तुम समझ लो जो भी हदीसा मानते अहले हदीसा अहले हदीस शबे मेराज पे ईमान रखता है हमारी नजरों में वो अहले हदीस क्या मोमिनिश नहीं है जो शबे मेराज पे ईमान नहीं रखता लेकिन जाग कर इबादत करना अच्छाई तो कर ले रहे ना ये बड़ा अजब मसला हो गया अच्छा तो कर रहे ना नमाजी तो पढ़ रहे ना मेरे भाई अच्छाई भी वही अच्छाई है जो नबी ने अपने तरीके के मुताबिक बताई जो नबी ने नहीं बचाई फहूअब वो अमल रद्द होने वाला है वो अमल रद्द होने वाला है अल्लाह के नबी ने कहा वो अमल मरदूद है जिस पर हमारा हुक्म ना हो अच्छा तो है खाना तो खिला रही नमाज तो पढ़ रही मैं बार बार सवाल करता हूं बच्चों को समझाने के वास्ते एक रकात में एक रुकू करना है दो रुकू करेंगे तो नमाज नहीं होती कोई आकर कहे रुकू करना अच्छी ही बात है दो कर लिए तो क्या होता दो कर लिए तो, तो नबी के तरीके की मुखालिफत होती कबूल नहीं होती नमाज रात में जाग के इबादत करना अच्छा ही तो है नहीं नबी ने नहीं किया हम नहीं कर सकते फजर की दो रकात फर्ज है चार बना सकते अच्छा तो है ना अच्छी बात है ना नमाज पढ़ना चार फर्ज पढ़ सकते नहीं नबी ने नहीं कहा तुम अच्छा भी काम नबी के तरीके के मुताबिक छोड़ के नहीं कर सकते कितना ही अच्छा क्यों ना हो यह बात समझो मेरे भाई ये बात समझने की है असल मेराज मेरा क्या है नमाजों की पाबंदी करो रोजे मर्रा की जिंदगी में रोजे मर्रा की जिंदगी में नबी ने क्या सिखाया नबी ने यह सिखाया नमाज में जो तुम आओ तो फिर अल्लाह के खौफ से रो नमाज में आंसू निकलना चाहिए हर मुसलमान के नमाज में जब रब्बे ताला के हुजूर में हम खड़े हो जाए तो फिर उसकी हैबत से हमारे दिल में लर्जा तारी होना चाहिए और फिर उसकी हैबत से हमारी आंखों में आंसू आना चाहिए खशियत इलाही है ये खौफी इलाही है इसी तरीके से हजरत मसूद तो रिवायत करते हैं सही बुखारी की रिवायत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल बिन मसूद को बुलाया और कहा अब्दुल्ला कुरान सुना रसूल कुरान आप नाजिल हुआ लेके आते मैं आपको कुरान सुना मुझे दूसरों से कुरान सुनना पसंद है तुम सुनाओ मुझे कुरान अब्दुल अबने मसूद कहते हैं मैंने सूरह निसा की तिलावत शुरू कर दी मैं पढ़ रहा हूं मैं पढ़ रहा हूं फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि अब बस कर दो अब बस कर दो मैंने जब नजर उठाई देखा क्या नबूत की आंखों से नबी की आंखों से आंसू जारी हो गए हैं इधर कुरान की तिलावत इधर नबी की आंखों से आंसू जारी हो गए हैं उम्मत का एक तबका ऐसा है जो कुरान को आखिरी वक्त कब पढ़ा था इसको पता ही नहीं है कब खोला था कुरान खोल के कब कुरान को सुना रोजाना अगर नमाज में सुनता हूं क्या दिल में हैबतारी होती है रोजाना अगर इमाम से कुरान की तिलावत सुनता हूं क्या कभी रोना आया कुरान की तिलावत से मेरे भाई नबी ने सिखाया जब कुरान पढ़ो जब कुरान सुनो तो फिर उसकी आयतों को समझ कर अल्लाह के खौफ से अपनी आंखों में अल्लाह के खौफ के आंसू लेके आओ रो सीखो कहां रोना है कब रोना है कौन से मौके पर रोना है आओ इसी तरीके से मेरे भाई इब्ने माजा की रिवायत है। अल्लाह के नबी सजरतारिजा में आई है। कहते हैं अल्लाह के नबीलाम के साथ एक दिन हम एक जनाजे में आए जनाजा भाई कितने जनाजों में चले गए ना अपन अब तक सब वो जनाजों में जाके आ गए क्या तरीका जनाजे का क्या करना जनाजे में गए तो कौन सी दुआ पढ़ना जनाजे में क्या सुन्नत का तरीका मालूम ही नहीं मुसलमानों को मुसलमानों को मालूम ही नहीं क्या मालूम अरे बहुत दिन के बाद मिले कांथे इधर यो जो घर में आके सामने डेरा डाल के बैठ जाते उधर मैं तो गुसुल होते रहता इन्हें इधर बातें करते रहता बहुत दिनों से नहीं मिले क्या चल रहा किधर चल रहा मैं तो वो मुलाकात की जगह हमारे पास आज फिर वो जनाजे के पीछे पीछे जाते जाते भी जात और सब अच्छा है कैरियर से कहा है उन्होंने दिखे उनके बेटे ने दिखे चले जाता फिर खबरस्तान में जाके बैठ जाता खबरस्तान के अंदर उधर मुर्दे को तस्वीन करते रहते इधर उधर बैठ के जो है ना चलते रहती मीटिंग सुनो ये हदीस हजरते बड़ा रिवायत करते हैं इब्ने माजा की रिवायत अल्लाह के नबी सासम के बारे में कहते हैं हम एक दफा अल्लाह के नबी के साथ एक जनाजे में थे गए हम खबरस्तान जनाजे के साथ अल्लाह के नबी खबर के किनारे बैठ गए और रोने लग गए अल्लाह अकबर हमारे नबी हमें सिखाते हैं जब तुम खबरस्तान जाओ तो अपनी मौत को याद करके रो वो खबर के गढ़े को देख के रो तुम्हें अपनी मौत अपनी खबर अपनी आखिरत याद आनी चाहिए कहते हैं हजरत बरा अल्लाह के नबी बैठे हैं और रो रहे हैं अल्लाह के नबी ने इतना रोया इतना रोया हमने देखा नबी के आंसू टपक 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 कर नबी के यहां जो जमीन थी वो कच्ची हो गई वो जमीन कच्ची हो गई फिर अल्लाह के नबी ने, ने अपने सर को उठाया और कहा मेरे साथियों ए मेरे भाइयों सुनो जरा यह कबर की तुम तैयारी कर लो ये दुनिया के अंदर अमल कर लो ऐ साथियों ये बड़ा खतरनाक गड़ा है इसकी सख्ती बड़ी खतरनाक है लोगों इसकी तैयारी कर लो ये जनाजे में जाने का मकसद है असल में कि इंसान जाए तो यह कहे कि मौत से किसको रुस्तगानी है आज उनकी तो कल हमारी बारी है इंसान मौत को याद करे खबर जाकर रोए अपनी मौत को याद करके। रोए और पछताए अपने गुना के काम अब तक कर दिए मैंने अल्लाह मुझे माफ फरमा दे रो तुम जाकर यह असल में अल्लाह के खौफ से रोने के मकामत है मेरे भाई लेकिन ये उम्मत का तबका नहीं समझ सका को। आओ इसी तरीके से के नबी जनाब मोहम्मद के बारे में एक और वाक्य नकल होता है क्या है देखो आप हजरत करते हैं अल्लाह के नबी कुरान की तिलावत कर रहे हैं क्या आयत आ गई इब्राहिम के बारे में आयत आ गई क्या कहा आयत में बुतों ने बहुत लोगों को गुमराह कर दिया है अल्लाह अगर तू माफ कर देगा तो तू तो बड़ा गालिब और हिकमत वाला है यह दुआ पढ़ लें ईसा लीसा की दुआ अल्लाह ये था। था। तेरे बंदे हैं अल्लाह तेरे बंदे हैं तू चाहे तो इन्हें अजाब दे तू चाहे तो इन्हें माफ कर दे अल्लाह अगर तू माफ कर देगा तो तू बड़ा गालिब और बड़ा हिकमत वाला है इब्राहिम की दुआ ईसा की दुआ आई फिर अल्लाह के नबी खूब रोने लगे इतना रोए इतना रोए क्या आपका जिब्बा मुबारक कच्चा हो गया आंसुओं की वजह से क्या देखते हैं हजरते अब्दुल्ला बिन आमिर कहते हैं जिब्राइल आ गए हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम है पूछा या रसूल अल्लाह आपकी रोने की वजह अल्लाह दरियाफ्त करता है बताएं क्या वजह से आप रो रहे हैं हालांकि अल्लाह खूब जानता है लेकिन अल्लाह के नबी से कहलवा रहा है ताकि उम्मत को यह बात हमें अता किया है पूछा यहाँ रसूल अल्लाह क्यों रो रहे हैं अल्लाह करता है अल्लाह पूछता है आपकी रोने की क्या वजह है तो कहा अभी इब्राहिम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ की ईसा ने अपनी अपनी उम्मत उम्मत के लिए दुआ की अपनी उम्मत लिए दुआ की मैं फिक्र में रोता हूं हाय कल कयामत के दिन मेरी उम्मत का क्या होगा जिब्राइल मेरी उम्मत जिब्राइल मेरी उम्मत जिब्राइल मेरी उम्मत कहे जिब्राइल ऊपर वही लेकर गए कहा या अल्लाह आपके नबी मोहतरम तो अपनी उम्मत की फिक्र में रो दिए हैं अपनी उम्मत की फिक्र में रोते हैं कहा जब्राहिम जाओ हमारे नबी को यह खुशखबरी सुनाओ कि कल कयामत के दिन आपके ये रोने की वजह से इंशाल्लाह हम हम आपके उम्मत के ताल्लुक से आपको खुश कर देंगे आपको गमगीन नहीं करेंगे आपकी उम्मत के ताल्लुक से आपको खुश कर देंगे नबी मोहतरम अपनी उम्मत के ताल्लुक से इतने फिक्रमंद जो नबी ने कहा मेरे आंखों की ठंडक नमाज जो नबी ने कहा कि मेरा दिल का सुकून अल्लाह का जिक्र उम्मत आज पूरी गुमराही के दलदल में फंस पड़ी है उम्मत का अक्सर तबका ना नमाज ना अल्लाह का जिक्र और ना जब इस्लाम की ये बातें की जाती है तो इनका दिल नरम पड़ता है एक आंसू नहीं निकलता नमी नहीं आती इनकी आंखों में जरा दिल घबराता नहीं इनका आखिरत की बातों से क्यों सख्त हो गया है नफ्स सख्त हो गया है हमारे दिल हम इतने दिल हमारे सख्त हो गए हैं कि इतनी बातें सुनने के बाद भी इस्लाम की तरफ आना घबरा नहीं बेजार हो जाता है इंसान तीन तीन चार चार घंटे बेकार के मजगलों में गुजार देता तीन तीन चार चार घंटे बैठ जाता छुपी रोजाना की अक्सर घरों की क्या टाइमिंग है रात को दस बजे घर को आते पूरे खानदान वाले कबीले वाले मिल के बैठ जाते खाना खाके फिर इधर की बात उधर की बात टीवी देखते तीन चार घंटे ऐसे निकाल देता बयान में आया कब से कब तक है बयान दो बजे है जमात अरे दो बज के पांच मिनट हो गए मोल साहब रुक रहे ना बेचैनी हो रही ये पैर पे से ये पैर पे आ रहा ये पैर पे से ये पैर पे जा रहा परेशानी में मुबतला है पांच मिनट ज्यादा हो गए ना क्यों दिल नहीं लगता इस्लाम में हमारा इस्लाम की बातों में दिल नहीं लगता हमारा हमारा दिल सख्त हो चला है मेरे भाई अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत की फिक्र में अल्लाह की बारगा में आंसू बहाए मेरे भाई रोना है तो रो लेकिन इस मकसद से रो अब बकर सिद्दीक रदी अल्लाह के बारे में आ चाए भाई रोना है ना तो सीखो हमारे इस्लाब से कब रोए उन्होंने हम भी तब रोएंगे इंशाला उन्हों कैसा रोए हम भी वैसे रोएंगे इंशाला क्या मौके पर रोए हम भी वो मौके पर रोएंगे इंशाला इंसान किसकी महफिल में, में बैठ रहा किसकी सोहबत अख्तियार कर रहा किसके साथ उठना बैठना है इसका इसको अंदाजा नहीं है इसका तो सिर्फ एक स्टेटस ब्रांडेड कपड़े पहनने वालों के साथ में बैठू बड़ी बड़ी गाड़ियां रखने वालों के साथ में बैठू बड़ी बड़ी होटलों में खाना खाने वालों के साथ में बैठू जिनके पास रुपया पैसा जायदाद है उनके पास मैं बैठूं इंसान का यही वतीरा है ना इंसान को इस पर खुशी होती है इंसान को इस पर खुश आओ सुनो अब बकर सिद्दीक है सफर हिजरत का मसाला आया अल्लाह ने वही की ए नबी वसल्लम मक्का छोड़कर हिजरत कर कर आपको मदीना जाना है निकलना है आपको और आपके साथी कौन है अबू बकर बनने वाले हैं अल्लाह के नबी रात के वक्त गए हैं अबू बकर सिद्दीक के घर पर कहा कौन नबी मुकर्रम यह वक्त आम तौर पे तो नबी ये वक्त में नहीं आते अंदर बुलाया गया नबी बैठे हैं कहा अबू बकर घर वालों को अगर कोई है तो बा... कहा या रसूल अल्लाह ये सारे आपके घर वाले हैं आपका राज कभी फाश नहीं करेंगे कहिए इनके सामने जो कहना चाहते हैं मरते मर जाए आपकी गुलामी से कभी नहीं निकलेंगे आपसे कभी कहिए कहा बकर अल्लाह ने इजाजत दी है कि मैं हिजरत के लिए निकल अब अल्लाह ने दिया है मक्का कर, या मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये सफर में मैं आपका साथी हो जाऊं अल्लाह अकबर कर कहा बकर, अल्ला ने खुद हुक्म दिया है कि मैं तुझे साथ ले जाऊं कहा अल्लाह क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेकर कहा हाँ हा, अबू बकर अल्लाह ने तेरा नाम लेकर कहा है रोने लग गए धाड़े मार के रो रहे अम्मा आयशा कहती हैं मैंने पूरी जिंदगी में पहली दफा ये बात देखी कि आदमी खुशी की वजह से भी ऐसा रोता है अल्लाह अकबर खुशी के मारे एक बेहतरीन सोहबत मिलने जा रही है एक बेहतरीन निफाकत मिलने जा रही है एक बेहतरीन साथी के साथ हिजरत और सफर करने का मौका है इंसान रो देता है खुशी में खुशी अच्छी सोबत की वजह से होनी चाहिए खराब सोबत की वजह से नहीं खुशी नेक लोगों के साथ मिलकर होनी चाहिए बदकारों के साथ नहीं खुशी नेकोकारों के साथ मिलकर होने चाहिए यह खुशी का मौका है अगर तुम्हारे हमारे दोस्ताने में ऐसे लोग हैं जो अल्लाह से दूर करने वाले हैं इस्लाम से दूर करने वाले हैं तो फिर इनकी दोस्ती हमारे लिए अच्छी दोस्ती नहीं है मेरे भाई इनकी सोबत हमारे लिए अच्छी सोहबत नहीं इनको आप इस्लाह की ताकत करो और इनसे किनारा कशी करो लोग कहते हैं मैं मैं सुधारने जा रहा हूं मैं सुधारने जा रहा हूं अपने कु तीरने आया तो अपन दूसरों को कूद के बचाना अपने कुरने नहीं आया तो अपन भी डूब जाते लुकलिफुल्लाफ जरूरत नहीं आपको अगर आपके गुमराह होने के ज्यादा चांसेस है फौरन किराना कशी अख्तियार करो ऐसे दोस्तों से ऐसी रिफाकत अख्तियार करो जिसको देखकर जो दोस्त को देखकर अल्लाह याद आ जाए हमको ऐसा को दोस्त बनाओ ऐसों की दोस्ती अच्छी दोस्ती है रोए अबू बकर सिद्दीक कब रोए खुशी में रोए कि नबी जैसे साथी के साथ सफर का मौका है इसी तरीके से उमर बिन खताब रदी अल्लाह के बारे में आ चाहे अब्दुल्ह बिन शादी रिवाय कहते हैं मस्जिद में, में नमाज के लिए गया इमाम कौन उमर बिन खत्ताब है नमाज पढ़ा रहे हैं उमर बिन खत्ताब मैं चूंकि थोड़ा देर से गया आखिर में जगह मिली आखिरी सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ रहा हूँ उमर बिन खत्ताब इमामत करवा रहे हैं फिर ऐसी हालतें आई हाँ कि उमर बिन खत्ताब अपने रोने को रोक नहीं पाए फिर नमाज की हालत में वक्त के खलीफा है अमीर उल है मेरे बाद कोई नबी होता उमर होता जन्नत में उमर का महल देख के आया हो ये वो सहाबी है इमामत के मुसले पे खड़े हैं इमामत करवा रहे हैं कहते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन जद्दाद उमर बिन खत्ताब रो रहे हैं ऐसे रो रहे हैं कि उनके रोने के हिचकियों की आवाज आखिरी सब में मैं सुन पा रहा हूं रो तुम अल्लाह की बारगाह में आके रो अल्लाह की बारगाह में गिड़गड़ाओ आके आज उम्मत का यह मसला खत्म उम्मत अल्लाह की बारगाह में आके रोने से कतराती शर्माती पीछे हटती फिर कारोती उम्मत फेसबुक पे वीडियोस भरे पड़े हैं एक शख्स जाके मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में हाथ उठा के रो रो के दुआएं मांग रहा है उजबिल्ला तुम ही बनाने वाले तुम इचाउ बिल्ला तुझे हया नहीं आई तुझे शर्म नहीं आई इस बात पर कि रब की दी हुई आंख रब के दिए हुए हाथ रब की दी हुई पिछाने किसी और के सामने झुकाता है शर्म की बात है क्यों नमाज में रोना नहीं सीखे इधर उधर जाके रोना सीखे अल्लाह के दर भी आके रोना नहीं सीखे अल्लाह दूसरे दरों पर जाकर रलवा रहा है रो नमाज की हालत में तुम तो। रोना आना चाहिए मौत को याद करके रो अपनी कि मरूंगा तो क्या हालत होगी खबर में क्या हालत होगी सवाल जवाब होंगे तो क्या हालत रो तुम इस हालत में कोई मसला नहीं इसी तरीके से मेरे भाई के बारे में आचा है साहबा ने उमर खत्ताब के दौरे खिलाफत में मशवरा किया क्या मशवरा किया फतेह हो गया वर्ल्ड वॉर थ्री शुरू होने वाला है बल्कि के चेमन गोया चौतरफ रशिया और यूक्रेन के बीच में बड़ा सुपर पावर ताकत कौन खायसर किसरा उमर बिन अल्लाह के नबी के दौर का उमर बिन खत्ताब ने अपनी खिलाफत के अंदर धूल चटा दी क्यों ईमान की ताकत थी उनके पास क्यों ईमान का जज्बा था उनको पता था हथियारों से जंग नहीं जीती जाती तैदाद से जंग नहीं जीती जाती ताकत से जंग नहीं जीती जाती जंग वो जीतते हैं जिनकी अल्लाह मदद करता है उम्मत को एक सबक भूल भुला बैठे आज उम्मत उम्मत भाग रही इधर से उधर वोट आए तो होता कि क्या है कि अपना पीएम बनाओ अपना नहीं तुम्हारा पीएम किसी और का सीएम चाहे कुछ भी हो दुनिया के अंदर अगर अल्लाह तुमसे राजी है वह अंतुमुल आलेउन इन्कुम मुमिनिन तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता कोई अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो उमर बिन खत्ताब है खजरखिसरा को शिकस्त दी हरा दिए किता 1/3 पूरी दुनिया के पौन हिस्से पर हुकूमत है उमर बिन ख़त्ताब की खिलाफत है अल्लाह अकबर तीन हिस्सों पर दुनिया के लेकिन जुब्बे पे बारह पेवन लगे हुए हैं बारह पेवनों का कुर्ता है बारह पेवनों के कपड़े हैं साहबा ने मशवरा करके कहा क्या अमीर मोमिनीन है हमारे खैसरों किस तरह पे फाते हैं क्या अमीर मोमिनीन को बारह जो है ना ऐसा कुर्ता हम पहनाएंगे कौन बोले किसकी हिम्मत और मजाल क्या अमीर मोमिनिन को जाकर यह कहे अमीर मोमिनिन पेवन का कुर्ता उतार दो अच्छा वाला नया पहन लो हिम्मत नहीं किसी को जाकर कहा किसको हां आपकी बेटी उम्मुल मोमिनिन हजरत हफ्सा है ना अम्मा आयशा है ये दोनों को कहेंगे ये लोग वकील बन के जाएंगे साहबा आए कहा ए अम्मी आयशा ये अम्मा हफ्सा और रदी अल्लाह तुमा जरा अमीरुल मोमिनिन से यह हमारी दरख्वास्त कर दो कि वो अपना नया जुब्बा पहन ले बारह पेवन वाला अच्छा नहीं लगता लोग आते हैं मुलाकात के लिए और जरा सुबह शाम अच्छा खाने की आदत भी बना ले ताकि मेहमान आते उनको भी अच्छा खा अम्मा आयशा हजरत गई कहा है फारूक कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि तुम अच्छे कपड़े पहन लो बाबा बारह पेवन का कुर्ता उतार कर फेंक दो तुम अच्छे खाने खाओ मेहमानों को खच्छा रोने लग गए रो रहे हैं इतना रोए दाढ़ी मुबारक भीग गई कहा अम्मा आयशा अम्मा आयशा अगर मुझे उन लोगों का नाम मालूम हो जाए जिन लोगों ने तुमको यहां भेजा है उनके चेहरों के नक्शे बिगाड़ दो मैं क्या अल्लाह के नबी ने कभी अच्छा खाना खाया है क्या अल्लाह के नबी ने कभी अच्छा कपड़े पहने अल्लाह के नबी ने हमें जो सिखाया तुम रो इस बात पर तुम इस बात पर रो अल्लाह इतनी नेमतें देने के बाद भी अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे नहीं बन सक रहे अलमारी भर भर के कपड़े पड़े हुए हैं शायद ही दुनिया में कोई ऐसा बंदा होगा जो पेवन के कपड़े पहनता होगा आज के दौर में भीख मांगने वाले भी पेवन भी के कपड़े नहीं पहनते शायद ही कोई होगा जिनके घर में फाका कची खाना है महीना महीने का तुम रो इस बात पे कि अगर अल्लाह ये दुनिया में सारी नेमतें दे दे रहा है फिर नेकियां भी कम है तो फिर खयामत के दिन आपका मेरा सिला क्या हो मिलने वाला है इंसान खुश होता है नमतें मिलती गई तो इसको दुनिया की रंगरलियों में मतहोश है इंसान समझता है कि ये असल दुनिया है ये घर आ गया मकान आ गया जायदाद आ गई प्रॉपर्टी आ गई बैंक बैलेंस ये समझ नहीं अल्लाह तबारक कुतला कुरान में कहता है जो हमारे गुनागार काफिर फासिक फाजिर बंदे होंगे अगर वो दुनिया में नेक काम करेंगे तो उनका बदला दुनिया के नैमतों की शक्ल में हम दे देंगे आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा कई साहब पैसा आने के बाद इस गम से रो देते कि कहीं अल्लाह हमारी नेकियों के बदले में दुनिया पैसा दे दुनिया में पैसा दे दे रहा है कहीं खयामत में हमारा अजर जर्जाए ना हो जाए इंसान तो खुश होता है ना पैसा आने पर रोने की बात है सवाब हिसाब देना पड़ेगा जितना पैसा आया सबका हिसाब देना पड़ेगा कितना जमा के रखे कितना खाए कितना फेंके साफ हिसाब देना पड़ेगा आओ मेरे भाई इसी तरीके से एक और मसला आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं भाई रोना आना चाहिए कब हजरत रिवायत कहते हैं साइम बुखारी की रिवायत है अल्लाह के नबी वसल्लम ने एक दफा उबे बिन काब को बुलाया जरा इधर आओ उबे बिन काब आए ये कौन है उबे बिन काब जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा जो कुरान सीखना चाहता है वो उबे बिन से सीखे बेहतरीन कारी कुरान कुरान है बेहतरीन पढ़ते हैं सोचो नबी बेहतरीन कारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी दे सकती है किसी को बेहतरीन कारी उबे बिन काप हजरत कहते हैं सही बुखारी की रिवायत बुलाओ बिन बुलाओन को बुलाया गया कहा या हाजिर हूं भाई जरा अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है अल्लाह ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है कि मैं तुम्हारी जुबानी सूरे बगीना सुनू अल्लाह अकबर लम्यकुन लदीना कफर किताब सूरे बगीना सुनू बिन कहा आप खड़े खड़े समझ नहीं आ रहा है नबी कुरान सुनाने को कह रहे हैं ऊपर से कह रहे हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कहा हाँ अल्लाह ने तुम्हारा नाम लेकर कहा है कि भैया ना सुनो रो दी अल्लाह के सामने के अल्लाह ने मेरा नाम लेकर जिक्र किया है अल्लाह वक्त पर है कि अल्लाह के लिस्ट में हमारा नाम अच्छे लोगों में जिक्र होगा कि अल्लाह के यहां हमारा अच्छे काम करते हैं क्या रोजाना की जिंदगी में क्या ऐसी नीयत क्या ऐसा ईमान है हमारा कि अल्लाह जिक्र करे अपने फरिश्तों में हमारा मेरे भाई यह बात की फिक्र होनी चाहिए ये ये मसाइल के अंदर जिंदगी के अंदर ये ये चीजों की फिक्र होनी चाहिए आओ इसी तरीके से मेरे भाई वक्त हो चला है एक वाकया सुना कर बात खत्म कर दूंगा कौन है देखो ये हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तू है कौन सलमान फारसी फारस से आए हैं कौन है ईसाई खानदान से असल में पैदाशी ईसाई है फारस से हक की तलाश में आ गए कि एक नबी आने वाले हैं इधर से उधर होते हुए कई लोगों ने लिया बेच दिया मक्के में आए हैं गुलाम बन के एक अरब के यहां गुलामी कर रहे हैं गुलामी कर रहे हैं आए क्या मकसद से गुलामी के मकसद से नहीं आए हिदायत नबी से मिलने के लिए आए हैं ढूंढ कब आएंगे नबी खजूरें धो रहे हैं खजूरें निकाल रहे हैं कानों में आवाज आई सलमान फारसी मक्के के अंदर क्या आवाज आई आवाज यह आई कि कोई बंदा आया है मक्का में अपने आप को नबी कहता है फौरन खुश हो गए अच्छा आ गए नबी फिर दिन भर काम किया रात को थोड़े खजूरें ली और कहा मैंने हमारी किताब में पढ़ा है कि जो नबी आखिरी आने वाले हैं मक्का में वो सदका कबूल नहीं करते सदका नहीं खाते वो हदिया कबूल करते हैं तोहफा और उनके पीठ पर मोहर नबूवत लगा हुआ है तीन बातें चले गए पहले दिन नबी की खिदमत में यारे लो तुम खा लो कहा या आप भी नौश फरमाइए कहा मैं सदका नहीं खाता वापस हुए खुशी खुशी एक निशानी तो बुरी हो गई फिर कुछ दिन के बाद फिर और थोड़ी खजूरे ली फिर गए नबी के यार रसुल्ला आपके चाहने वाला हूँ हथियार आया हूँ आपके लिए खाए अल्लाह के नबी ने हाथ बढ़ाकर खाया और साहबों को भी खिलाया फौरन दौड़ते आए खुशी से कहा दो निशानियां पूरी हो गई फिर एक दफा रास्ते से अल्लाह के नबी जा रहे सलमान फारसी होकर नबूबत को देखना चाहते हैं देख नहीं पा रहे हैं देखना चाहते हैं अल्लाह के नबी समझ गए कि यह बंदा मोहर नबूबत अल्लाह के नबी ने अपने कपड़े को हटाया दौड़कर गए मोहर नबूबत को चीम चूमा और जो, और जो है ना धाड़े मारकर रोने लग गए फिर कहा गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के नबी हैं ये सलमान फारसी मर्जुल मौत में है कितने पैसे है भाई बैंक में जरा निकालो यूपीआई का पिन मारो बैंक का कितना बैलेंस है मालूम हो जाता कितने पैसे जमा हो गए देखता ना इंसान बार बार देखते रहता क्या क्या आ गया कौसा फोन खरीद दिया कौसी गाड़ी ले लिया घर में क्या और आराइश की चीजें लाके लगाऊ ये इंसान की फिक्र है ना भाई एक आम इंसान फिक्र यही करता है हजरत सलमान फारसी है मरजुल हजरत कहते हैं हजरत साद मुलाकात के लिए गए हजरत सलमान फारसी के हजरत साद आए हैं मर्जुल मौत मौत के बिस्तर पर लेटे हैं मर्ज में है उठ नहीं आ रहे रो रहे हैं रोने लग गए रो रहे हैं दाढ़ी मुबारक भीग गई हजरत साध ने कहा क्या हुआ सलमान फारसी मौत के खौफ से रो रहे हो कहा नहीं नहीं ना तो मैं दुनिया की ख्वाहिश के लिए रो रहा हूं ना तो मैं मौत से डरता हूं मुझे तो चाहत है रब की मुलाकात की फिर रो किस लिए रहे हो कहा नबी से मैंने एक वादा किया है किया था शायद के वो वादा मैंने तोड़ डाला है शायद के मैंने वो वादा तोड़ डाला है कहा क्या वादा तुमने किया था तो कहा सलमान रजी अल्लाह ने कि मैंने अल्लाह के नबी से वादा किया था कि मैं अपनी जिंदगी था। में अपने लिए एक मुसाफिर जितना सामान रखूंगा उससे ज्यादा कुछ नहीं रखूंगा लेकिन मालूम होता है कि मैंने ज्यादा सामान रख लिया है ज्यादा मैंने पैसे आरائش कर लिए हैं मैंने वादा तोड़ दिया है वादे के टूटने पर डरता हूं हजरते सईद के हजरते साथ कहते हैं हजरते सलमान फारसी का इंतकाल हुआ उनका तरका लाकर रखा गया कितनी विरासत है भाई हजरते सलमान किस वजह से रो रहे हैं आखिर कितना पैसा जमा किया लाकर रखा गया सिर्फ 24 दिरहम है जो उनके तर्के में बचे हैं अल्लाहू अकबर कितने 24 दिरहम चौबीस दिरहम के लिए रो रहे हैं ज्यादा पैसे जरा देखो मत की हालत रो तुम इस बात पर रो कि अल्लाह लाखों तो दे रहा है फिर कल ये लाखों का हिसाब लेगा तो काबिल हूं कि नहीं हूं हिसाब देने के रो इस बात पर कि कहीं अल्लाह नेकियों के बदले में दुनिया की दौलत तो नहीं दे दे रहा है। तुम रो इस बात पर ये नबी ये सहाबा इनका रोना भी क्या मुबारक रोना है मेरे भाई रो अब आयशा सिद्दीका रोने लग गई पूछा क्यों रो रही हो आयशा कहा यार आपकी और मेरी मौत याद आ गई अल्लाह अकबर कौन ऐसी मां बहन है कौन ऐसी बहन बेटी है कौन ऐसी औरत है जो अपने शौहर से अपनी मौत के बारे में गुफ्तगु करना चाहे जरा याद तो करो अपनी अपनी मौतों को जरा अपने शौहर की मौत को तुम याद करो और तुम्हारा शौहर तुम्हारी मौत को याद करे और दोनों मिलकर अपनी मौत को याद करके रोए है क्या ऐसा पाकिजा रिश्ता कतराता है इंसान ये याद मौत को याद कर कहा या अल्लाह मौत को याद करके रोने लग गई कि फिर जब आपको मौत आएगी मुझे भी आएगी फिर अल्लाह कयामत में आपको और मुझको जमा करेगा या अल्लाह रोना इस बात पर भी आ गया कि कल कयामत के दिन इतने लोगों में आप हमें पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे अल्लाह अकबर हम तो आपके घर वाले हैं आपके बीबियां हैं कल कयामत के दिन आप हमको पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे। रोना इस बात पर आ गया कहा आयशा सुनो कल कयामत के दिन तीन क्या ऐसे होंगे जहां पर कोई किसी को नहीं पहचानेगा अल्लाह अकबर। तुम रो ये मकाम को याद करके तुम्हें रोना आना चाहिए कयामत की याद करके तीन मकाम कहा कि पहला मकाम वो कि जहां पर लोगों के नेकियों को तोला जाता होगा लोगों के नेकियों और गुनाहों को तराजू में रखकर तोला जाता होगा कोई किसी को नहीं पहचानेगा नंबर दो जब लोगों के नामे आमाल पेश किए जाएंगे कि तुम जन्नती हो सीधे हाथ में लो तुम जहन्नमी हो उल्टी हाथ में लो ऐसे मुकाम पर कोई किसी को नहीं पहचानेगा और आयशा तीसरा मुकाम पुलिसरात होगा जहां पर कोई किसी को नहीं पहचानेगा खौफ इलाही में रोना चाहिए इंसानों को अल्लाह के खौफ से रोना चाहिए इंसानों को आपको और मुझको कई दफा ऐसा भी होता है कि इंसान की तवज्जो नहीं होती है मसले की तरफ तो इंसान रो नहीं पाता अब तवज्जो हुई है तो फिर रोने की आदत बनाओ जब भी अल्लाह की बारगाह में तन्हाई में नमाज पढ़ो तो मैं कहता हूं जरूर इंसान की आंखों में से आंसू निकलने चाहिए जब भी तन्हाई में लोगों के सामने भी रो सकते हैं कोई मसले की बात नहीं दिखावे का ताल्लुक नीयत से है आज मसला कैसा हो गया हम दिखावा दिखावा करके बहुत सारे नए कामाल को छोड़ते चले जा रहे हैं एक साहब को बुझे दाढ़ी के कैकुनर रखे तो उन्होंने बोले दिखावा होता ना भाई दिखावे की वैसे दाढ़ी बोला ये दिखाने की चीज़ है दाढ़ी छुपा सकते हैं दिखाना है चाहे एक जन नमाज़ आके पढ़ो मस्जिद को नहीं वो लोगों को दिखावे के सर कहा होता घर में पढ़ लेता नहीं भाई दिखा के पढ़ना है नमाज आओ यहाँ है नीयत असल में नीयत दिल में है वो जानने वाला है अगर कभी अल्लाह के खौफ से लोगों के दरमियान भी रोना आए तो रोना चाहिए सबक मिलेगा लोगों को इन इससे नमाज की हालत में जमात के अंदर भी कभी रोना आ जाए कभी अल्लाह के खौफ की आए थे अजाब की आए थे जन्नत की आए थे अल्लाह के मकाम मरतबे क्या आए थे आ जाए तो रोना चाहिए इंसान को वो बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तुम अल्लाह के नबी के साथ बैठे हैं

अबू बकर सिद्दीक ऐसे रो रहे हैं जैसे छोटे बच्चे रोते हैं अल्लाह अकबर हिचकिया लेकर कहा अबू बकर किस बात ने तुमको रुला दिया है कहा यार अल्लाह ये अल्लाह की आयतों ने मुझे रुला दिया है अल्लाह अकबर तुम रो अल्लाह की आयतें सुन के ये पैगाम मेरे भाई कि अपने दिल में खौफ़ इलाही पैदा कीजिए अल्लाह की खशियत पैदा कीजिए अपने दिल के अंदर किसी को धोखा देने से पहले किसी के खिलाफ चाल चलने से पहले किसी की करने से पहले किसी का माल हड़पने से पहले अल्लाह की नाफरमानी करने से पहले दुनिया के हर गुना से पहले अपने दिल के अंदर अल्लाह की खसीयत लाइए अल्लाह की हैबत लाइए फिर यह सोचिए कि वह मालिक योद्दीन के सामने खयामत के दिन जाएंगे तो क्या जवाब देंगे अल्लाह तबारक वाली को यह समझने और समझाने की जरूरत है और यकीन जानिए यह नुकता याद रखिए माशरे की असलाह चाहते हैं अगर अपने घर की असलाह सुबह उठे लड़ाई शाम उठे लड़ाई है बहुत सारे घरों का मसला ऐसा वो भाई की वो भाई से नहीं बनती वो भाई की वो बहन से नहीं बनती मियाँ बीवी की नहीं बनती औलाद माँ बाप में नहीं बनती पड़ोसी पड़ोसी की नहीं बनती दोस्त दोस्त का मसाला अगर अपनी जिंदगी में अपने माशरे अपने खानदान अपने घर अपने फैमिली और खानदान की असलाह चाहते हैं तो अपने खानदान के मोहल्ले के एक एक फर्द के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा कर दीजिए सारे मसले हल हो जाएंगे इन शह सारे मसले हल हो जाएंगे इनशा अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक वाली जो बातें हक और सच कही गई हैं अल्लाह तबारक वाली इन बातों पर कहने वाले को कहने से ज्यादा सुनने वालों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तोफीकता फरमा दे अल्लाह हमारा शुमार तेरे नेक बंदों में फरमा दे अल्लाह हमारा शुमार तुझसे डरने वाले बंदों में कर दे अल्लाह हमारा शुमार खौफ इलाही पैदा करने वाले बंदों में से फरमा दे अल्लाह हमारे दिल में तेरा खौफ डाल दे अल्लाह हमारे सीनों में तेरा खौफ डाल दे अल्लाह दुनिया के हर खौफ को हमारे सीने से निकाल दे अल्लाह तुझसे डरने वाला बना अल्लाह तुझसे डर कर रोने वाला बना अल्लाह तुझसे माफी मांगने वाला बना अल्लाह जब ये पेशानी तेरे बारगाह में आए तो हमारे दिलों को नरम फरमा दे अल्लाह हमारे माफ़ फरमा दे हमारे छोटे फरमा दे अल्लाह हमारे बड़े परेशान परेशानियों को बीमार ना हो शिफा देने वाले सवाल करते हैं तमाम मरीजों के लिए शिफा का तमाम मरीजों के लिए शिफाका उनको शिफा कामिला अता फरमा दे अल्लाह जो, को अल् जो कोई कर्ज को तो में दबे हुए हैं अल्लाह उनके लिए आसान पैदा फरमा दे अल्लाह मुसलमान के नौजवानों को हिदायत नसीब फरमा दे अल्लाह मुसलमान के लड़कियों को हिदायत नसीब फरमा दे अल्लाह हम तमाम को जब तक जिंदा रख इस्लाम पर जिंदा रख जब हमारी मौत आए तो इस्लाम पर आए सुबह अशहदा फिर वालक वरहमत लबरक